तेज सिंह बरात जहाँ प्रगति गुड आफ्टरनून बसारा उपासना करे तो बसारा करे अरे उपासना तो है कोराई को वाली आदित्य जायसवाल हां है ही कपूरी से दक्षिण का कपूरी फिर जारी है लगे उपासना फिर जारी भर के आगे करके है ही जाओ उपासना के बाद सराव जांच जा जवानी के आगे निधि निधि आदिति नीरज वेरी गुड आफ्टरनून दीपिका तेज आदिति श्रेया निकिता शिवम वेरी गुड आफ्टरनून शिवम गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही मेरी? माई वॉइस इज क्लियर टू ऑल? मेरी आवाज आ रही है? आप लोग टाइप करके बताएं प्लीज। लास्ट क्लास का टॉपिक बताइए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हेड, अच्छा हार्ड डिस्क चल रहा था। ओके 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 हेड हेड से हार्ड डिस्क के हेड से दो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। हार्ड डिस्क के हेड से दो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, एक रीड और एक राइट। ठीक है, और हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, अगर सेव नहीं किया था शायद, चलो खैर एनीवे, हार्ड डिस्क इज कलेक्शन ऑफ प्लेटर एंड प्लेटर इज कलेक्शन ऑफ सेक्टर एंड सेक्टर इज सॉरी हार्ड डिस्क इज कलेक्शन ऑफ प्लेटर। मतलब हार्ड डिस्क में एक से ज्यादा प्लेटर हो सकते, जरूरी नहीं है कि हो सकते, ठीक है। और हर हार्ड डिस्क में हर प्लेटर एक से ज्यादा ट्रैक होते हैं, सारे प्लेटर्स पे एक से ज्यादा ट्रैक होते हैं, और जो भी ट्रैक्स होते हैं वो फर्दर किसमें डिवाइडेड होते हैं, दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्टर, वो सेक्टर में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। यही बात हम लोग की लास्ट क्लास में चल रही थी कि जो ट्रैक्स होते हैं दैट इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर एंड प्लेटर इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक। तो दो चीजें देखो, रीड या राइट, ये दोनों ही ऑपरेशन कहाँ पर होंगे? प्लेटर पे, प्लेटर के अंदर, ट्रैक में, ट्रैक के अंदर, सेक्टर में। इतनी चीजों में किसी को कोई प्रॉब्लम है यार? लास्ट वीकेंड की क्लास छूट गई थी। तेज सिंह, हमसे तुम वीडियो ले लेना। अभी लास्ट का हमने स्क्रीन तो रिकॉर्ड नहीं करा है, ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं करा है, लेकिन वीडियो उसकी है लास्ट क्लास की, तो वो हम आपको यूट्यूब पे दे देंगे। तो लास्ट क्लास में हमने ये बताया था कि हार्ड डिस्क इज कलेक्शन ऑफ प्लेटर। अब प्लेटर पे, प्लेटर इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक एंड ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर। तो जो भी हेड, जो भी रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इसको लिखते हुए चलना, वो किस पे करेगा? प्लेटर, प्लेटर के ऊपर ट्रैक पे, ट्रैक के ऊपर सेक्टर पे। जैसे हमने बताया था कॉपी होती है ना, तो आपकी कॉपी का जो पेज होता है, कॉपी इज अ कलेक्शन ऑफ पेजेस, और हर पेज पे क्या होता है? लाइन। तो हर पेज पे लाइन होता है। तो इसी तरीके से हार्ड डिस्क इज व्हाट? हार्ड डिस्क इज कलेक्शन ऑफ प्लेटर एंड प्लेटर इज कलेक्ट, प्लेटर में, प्लेटर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स। तो ये जो लाइंस हैं यही ट्रैक्स हैं। और अगर मैथ की कॉपी की हमने बात करी थी, तो उसको आप ऐसे ब्लॉक वाली जो कॉपी होती है, जिसको बचपन में आपने लिखा होगा मैथ्स इसमें, तो वो इस तरह से होता है। तो ये जो हमारा पोर्शन है, दिस पोर्शन इज व्हाट? दिस इज सेक्टर। तो एक्चुअल डेटा कहां पर स्टोर हो रहा है? एक्चुअल डेटा स्टोर इनटू सेक्टर, ठीक है। जैसे बैंक में आप कहते हैं ना, बैंक में पैसा जमा कर देते हैं, बैंक में थोड़ी पैसा जमा कर देते, बैंक तो बहुत बड़ा होता है। बैंक के अंदर कैश डिपार्टमेंट होता है, कैश डिपार्टमेंट के अंदर एक पर्सन बैठा होता है। जब वो आपसे पैसा ले लेता है, तो उसमें बहुत सारे अकाउंट होते हैं, तो आपके अकाउंट में डिपॉजिट होता है, पैसा आपके अकाउंट में डिपॉजिट होता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया। उसी तरीके से हम बोलते हैं हार्ड डिस्क में डेटा रख दिया। तो हार्ड डिस्क में डेटा रख दिया, कहाँ रख दिया? हार्ड डिस्क के अंदर प्लेटर पे, प्लेटर के अंदर ट्रैक पे, ट्रैक के अंदर सेक्टर पे। तो मेन डेटा कहाँ पर आ गया? सेक्टर पर, ठीक है। अब इसी डेटा को रीड और राइट करने के लिए, रीड और राइट करने के लिए किस कंपोनेंट की जरूरत होती है? हेड की जरूरत होती है, ठीक है, हेड। हेड इज यूज्ड टू रीड एंड राइट। ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी चीज देखो इसमें, हेड परफॉर्म RW ऑपरेशन। अब इस ऑपरेशन में होता क्या है, ये हमें देखना है, ठीक है। देखते हैं कैसे, क्या होता है इसमें। देखो सबसे पहला इसको करने के लिए, RW रीड राइट करने के लिए दो काम करना होगा। एक तो करना होगा, सबसे पहले सर्च होगा। क्या सर्च होगा? सर्च, हेड पहले क्या करेगा? सर्च करेगा। क्या सर्च करेगा? जैसे मान लो 3 प्लेटर हैं, तो किस प्लेटर पे, यानी कि प्लेटर नंबर, जैसे मान लो 3 प्लेटर है, तो प्लेटर नंबर 1 पे RW परफॉर्म करना है, या 2 पे RW परफॉर्म करना है, या 3 पे RW परफॉर्म करना है, ठीक, प्लेटर नंबर। फिर क्या सर्च करना होगा? फिर सर्च करना होगा कि किस ट्रैक पे रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ट्रैक नंबर, और फिर लास्ट में सेक्टर नंबर, ठीक, पहला काम। दूसरा काम क्या होगा? कि जैसे ही ये सर्च हो जाए, तो दूसरा काम होगा हमारा रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो ये दो काम हो गए, एक काम सर्च करना, दूसरा काम रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना। भाई कोई भी काम करना है तो पहले जगह ढूंढेंगे फिर काम करेंगे। तो उसी तरीके से आप कोई भी डेटा सेव करते हैं, ओपन करते हैं, डिलीट करते हैं, क्लोज करते हैं, कुछ भी करते हैं, हार्ड डिस्क में से डेटा को रीड राइट करने के लिए जो हेड है वो सबसे पहले प्लैटर नंबर, फिर ट्रैक नंबर, फिर सेक्टर नंबर को सर्च करता है। तब जा करके वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है, रीड करेगा या राइट करेगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? पहला स्क्रीन डिस्प्ले कर दी, पहला स्क्रीन लो डिस्प्ले हो गया। नीरज ये पहला स्क्रीन है, पहला स्क्रीन ये है। हम लोग हेड की बात कर रहे थे लास्ट क्लास में। हेड जो है वो रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो रीड और राइट ऑपरेशन करने परफॉर्म कहाँ पे करता है, किस प्लैटर पे, प्लैटर के कौन से ट्रैक पे, ट्रैक के किस सेक्टर पे, ठीक है। और सेक्टर क्या होता है, जहाँ पर एक्चुअल डेटा स्टोर होता है। ये हमारा पहला स्क्रीन है, समझ में आ गया नीरज? नीरज क्लियर है नीरज कुमार? प्रगति नो डाउट, ओके। अब देखो दूसरी चीज, तो हमने ये कहा कि रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए प्लैटर नंबर, ट्रैक नंबर, सेक्टर नंबर चाहिए। पहला होगा सर्च, दूसरा होगा रीड राइट ऑपरेशन, ठीक। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि इतना काम करने में, कौन सा काम करने में, ये। अब यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम taken by head to search exact location, time taken by head to search exact location is known as seek time, ठीक है। देखो इतना काम करने में, सर्च करने में कुछ समय लगेगा, तो हम मान लेते हैं समय क्या लग रहा है T1, और फिर रीड राइट करने में भी वक्त लगेगा, तो इसको हम कह देते हैं T2, ठीक। क्या लिखा कि टाइम टेकन बाय हेड टू सर्च एग्जैक्ट लोकेशन। एग्जैक्ट लोकेशन कैसे मिलेगी, प्लैटर नंबर, ट्रैक नंबर और सेक्टर नंबर। टू सर्च एग्जैक्ट लोकेशन इज नोन एज सीक टाइम। सीक माने होता है ढूंढना। हाइड एंड सीक खेलते हैं ना बच्चे, तो बच्चे क्या, भले भी हम लोग भी खेलते हैं, है ना। तो हाइड एंड सीक जो खेला जाता है, तो उसमें सीक मतलब होता है ढूंढना। तो सर्च करेंगे क्या, हेड सर्च क्या करेगा कि उसको इन्फॉर्मेशन रीड या राइट करना है, तो किस प्लेटर पे, किस ट्रैक पे और किस सेक्टर, उसे कहेंगे सीक टाइम। अब ये दूसरा, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, T2, ये कौन सा टाइम है, यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन बाय हेड to perform RW, to perform RW operation, to perform RW operation, time taken by head to perform RW operation। RW operation को perform करने में जो समय लग रहा है उस समय को क्या कहेंगे, latency time is known as latency time, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ दो टाइम मिले, एक latency time और एक seek time। ये हमारा क्या है, ये T1 है, और ये हमारा क्या है, ये T2 है, ठीक है। T1 मतलब प्लैटर नंबर, ट्रैक नंबर, सेक्टर नंबर को सर्च करने में लगने वाला टाइम, और T2 क्या है, रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने में लगने वाला टाइम। तो अब हमें आप बता सकते हैं कि टोटल टाइम क्या हुआ, टोटल टाइम क्या होगा, टोटल कितना समय लगा? टोटल समय बताओ। टोटल टाइम कितना लगेगा बताओ? टोटल टाइम आदिति तेज वेरी गुड। T1 और T2 को जोड़ देंगे। ये 3 क्या है निकिता? व्हाट इज 3? टोटल टाइम 3 कैसे आएगा? टोटल टाइम को T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। वेरी गुड आदित्य। देखो टोटल टाइम क्या होगा, हम T1 को और T2 को जोड़ देंगे। शायद यही कहना चाह रहे हैं आप लोग। अब दिस टोटल टाइम, ये जो टोटल टाइम है, दिस टोटल टाइम इज नोन एज एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम, एक्सेस टाइम इज इक्वल टू T1 क्या था? सीक टाइम। एक्सेस टाइम इज इक्वल टू सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया? और अब एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, क्या एक्सेस टाइम, सीक टाइम और लेटेंसी टाइम को जोड़ने पर निकाला जाता है? आप कहेंगे यस, ठीक है। अगर ये दे दे सीक टाइम इज इक्वल टू लेटेंसी टाइम प्लस एक्सेस टाइम, तो आप फॉल्स लगा देंगे। तो ये ट्रू फॉल्स भी आ सकता है, सीक्वेंस चेक करने के लिए भी आ सकता है। तो आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो ये एक्सेस टाइम किसका है? एक्सेस टाइम इज टेकन बाय द हेड टू परफॉर्म द रीड राइट ऑपरेशन। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेस टाइम is the time which is taken by head to perform read write ऑपरेशन, ठीक है। टू परफॉर्म रीड राइट ऑपरेशन। इसमें किसी को कोई डाउट? एनी डाउट? समझ में आ गया प्रगति? मतलब यहाँ पर ये है कि देखो ये चीज समझो पहले कि हेड जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले सर्च करना पड़ेगा ना। तो सर्च क्या करेगा? सर्च करेगा कि कौन सा प्लेटर, जैसे मान लो एक प्लेटर है तब तो कोई बात नहीं, तो प्लेटर के बाद ट्रैक, ट्रैक के बाद सेक्टर। अगर 3 प्लेटर है तो प्लेटर नंबर 1 पे या 2 पे या 3 पे या 4 पे या 5 पे, जितने भी प्लेटर्स हैं। फिर प्लेटर अगर मान लीजिए 2 पे करना है तो 2 पे किस ट्रैक पे, ट्रैक मिल गया तो ट्रैक के किस सेक्टर पे, क्योंकि अ प्लेटर में कंटेन मोर देन 1 ट्रैक्स, थाउजेंड्स ऑफ ट्रैक्स एंड अ ट्रैक में कंटेन सेवरल सेक्टर। इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। ये कोई एग्जैक्ट कहीं लिखा नहीं रहता है इसमें इतने ट्रैक हैं इतने सेक्टर हैं। तो सबसे पहले सर्च करेगा कि कौन सा प्लेटर, कौन सा ट्रैक और कौन सा सेक्टर। जब ये सर्च हो जाएगा, मतलब इतना मिल जाएगा, तब वो स्टार्ट करेगा रीड करना या राइट करना, ठीक है। जैसे आपसे हम कहेंगे कॉपी में खोलो और कॉपी लिखो, लिखना शुरू करो, तो आप ऐसे ही पेन लेकर के मेज पे थोड़ी लिखना शुरू कर देंगे। सबसे पहले सर्च करेंगे कि सर का कौन सा टॉपिक है, तो आपने कहा भाई फंडामेंटल, तो फंडामेंटली कॉपी निकाली, फिर आपने पेज निकाला, फिर खाली पेज ढूंढा, फिर जा करके जहाँ पे खाली है वहां पे लिखना शुरू करा। तो आप रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले सर्च करेंगे। तो सर्च में लगने वाला टाइम मान लेते हैं कितना है, T1, और रीड और राइट करने में कितना टाइम लगेगा, T2। तो T1 यानी कि सर्च करने में लगे हुए टाइम को सीक टाइम कहते हैं, और रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने में लगने वाले टाइम को लेटेंसी टाइम कहते हैं। और इन दोनों को मिला देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेस टाइम, सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। क्लियर है, ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा क्या ऐसे दे देगा, एक्सेस टाइम इज इक्वल टू सीक टाइम माइनस लेटेंसी टाइम, ट्रू और फॉल्स ऐसे दे देगा, या ये दे देगा एक्सेस टाइम इज द सम ऑफ सीक टाइम एंड लेटेंसी टाइम, ट्रू और फॉल्स, ऐसे हो जाएगा। क्लियर है ये, घनश्याम समझ में आ गया, आदिति क्लियर, प्रगति क्लियर, ओके ठीक है। ये तो आपका था हार्ड डिस्क, ठीक है। अब नेक्स्ट आप डालिए यहाँ पर ऑप्टिकल मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी हेडिंग है ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी कैसी मेमोरी होती है, ये इट इज एक्सटर्नल मेमोरी, मेड ऑफ किसकी बनी होती है, प्लास्टिक और फाइबर की बनी होती है, ठीक है। और इसमें जो डेटा होता है, डेटा स्टोर्ड इन इट इन द फॉर्म ऑफ लाइट सिग्नल, जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं, मैग्नेटिकल सिग्नल होते हैं, लाइट इसी तरह से लाइट सिग्नल्स भी होते हैं, ठीक है, लाइट सिग्नल के फॉर्म में। और इसमें हेड नहीं यूज होता है, इसमें यूज होता है लेजर लाइट, लेजर लाइट एज हेड। हेड में हेड की जगह क्या यूज होता है, लेजर लाइट यूज होती है। तो लेजर लाइट इज यूज्ड टू परफॉर्म द रीड एंड राइट ऑपरेशन, लेजर लाइट एज हेड फॉर आरडब्ल्यू, रीड और राइट करने के लिए। देखो ऑप्टिकल मेमोरी में जहां पर भी बात ऑप्टिकल आ जाए वहां पे संबंध लाइट से होता है, ऑप्टिकल का संबंध हमेशा लाइट से होता है, सिग्नल, लाइट सिग्नल से होता है ऑप्टिकल, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल का संबंध किससे होता है, लाइट, रोशनी। जैसे आंखें होती है ना, तो आंखें, आंखों का संबंध किससे होता है, लाइट से होता है। बिल्कुल लाइट डार्क कर दीजिए कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे ही ऑप्टिकल मेमोरी आ जाए समझ लीजिए फॉरन लाइट, तो लाइट सिग्नल पे चले जाइएगा कि डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, लाइट सिग्नल के फॉर्म में स्टोर होता है। तो ऑप्टिकल इज रिलेटेड टू लाइट, इसीलिए देखिए, और लाइट का मतलब जैसे आंखें हैं, आंखों का मतलब ऑप्टिकल। तो जितने भी चश्मे की दुकान होती है सब में लिखा रहता है फलाना ऑप्टिकल, एबीसी ऑप्टिकल, XYZ ऑप्टिकल, तो वो इसीलिए लिखता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल इज रिलेटेड टू लाइट, तो इसको याद करने के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो लाइट जैसे आ जाए फौरन आप आ जाएगा क्या, कि ऑप्टिकल मेमोरी में लाइट सिग्नल, डेटा जो है वो लाइट सिग्नल के फॉर्म में स्टोर्ड होता है, जिसे रीड और राइट करने के लिए लेजर लाइट का उपयोग होता है, ठीक है। और ये नॉन वोलाटाइल होता है, एक्सटर्नल मेमोरी है तो नॉन वोलाटाइल होगा, नॉन वोलाटाइल, ये नॉन वोलाटाइल है, ठीक है। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल that is CD और DVD। ये इसके एग्जाम्पल है। अब CD और DVD क्या चीज है इसको देख लेते हैं। जैसे CD के बारे में लिखने के लिए आ जाए तो इतना तो आप कॉमन लिखेंगे, इतना पार्ट यहां से लेकर के यहां तक ये कॉमन लिख देंगे कि CD इज एक्सटर्नल मेमोरी, CD इज मेड ऑफ प्लास्टिक फाइबर, CD कैन स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, the laser light is used as head for read write operation from the CD, CD is non volatile memory। ऐसे DVD लगा देंगे, DVD आ जाए तो DVD is external memory, DVD is made up of plastic और fiber, और यहाँ पर बस DVD सब में जोड़ देंगे। तो यहाँ तक के तो ये होगा कॉमन। अब इसमें अलग अलग क्या फीचर है वो देख लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब अलग अलग क्या फीचर्स हैं वो देख लेते हैं इसमें, ठीक है। जैसे एक तरफ यहाँ पे लिख लेते हैं CD और एक तरफ लिख लेते हैं DVD, तो ऐसे थोड़ा सा वो एक आप समझ लीजिए कंपेयर कंट्रास्ट टाइप का बन जाएगा एक। कॉम्पैक्ट डिस्क, इसको लिखेंगे डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क या इसको डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी कहते हैं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो स्टोरेज होता है, CD DVD तो देखा होगा आप लोगों ने, इसका स्टोरेज 600 से 700 MB होता है और इसका स्टोरेज 4.7 GB से लेकर के 8 GB तक होता है। और भी बड़ी आ सकती है, मतलब ये एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, यहाँ पर स्टैंडर्ड मेजरमेंट यहाँ पर लिख रहे हैं हम। और जो आपकी DVD होती है ये सिंगल साइडेड होती है, सिंगल साइडेड। सिंगल साइडेड का मतलब क्या होता है? जैसे दो होता है ना, जैसे अप वो कहते हैं अपर सरफेस लोअर सरफेस, या सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो उसी तरीके से ये सिंगल साइडेड होती है। तो यहाँ पर हम सिंगल साइडेड को लिख रहे हैं डेटा कैन बी स्टोर्ड ओनली वन साइड, ओनली वन साइड, ठीक है। और ये जो है आपकी जो DVD होती है ये सिंगल साइडेड भी आती है और डबल साइडेड भी आती है, सिंगल साइडेड भी आती है और डबल साइडेड भी आती है, ठीक है ना। अब इसमें भी CD ROM आती है, इसमें भी DVD ROM आती है। अब यहाँ पर कोई पूछे कि ये CD ROM और DVD ROM क्या है, तो आप कहेंगे ऐसी CD या DVD जो मार्केट में मिलती हो लेकिन उसमें पहले से डेटा स्टोर्ड हो, पहले से वीडियो स्टोर्ड हो, पहले से वीडियो गेम स्टोर्ड हो। जैसे बुक्स के साथ, मैगजीन के साथ, मार्केट में सॉन्ग की CDs, मूवीज की DVDs, CDs ये सब मिलती हैं प्री स्टोर्ड, तो उनको हम कहते हैं CD ROM। यानी कि यहाँ पर हम लिख लेंगे CD ROM में क्या लिख लेंगे, प्री स्टोर्ड, और ये भी क्या होती है प्री स्टोर्ड, ठीक है, प्री स्टोर्ड होती है। और अब आप कहेंगे कि हमको अगर डेटा उसमें लिखना है तो यानी कि मार्केट में मिलेगी प्री स्टोर्ड, और आपको लिखना है तो आपको ब्लैंक चाहिए, तो उसके लिए होता है CD RW और DVD RW, CD RW और DVD RW। ये कैसे होंगे? ब्लैंक। DVD RW कैसे होगी? ब्लैंक। मतलब आप जितना डेटा लिखना इस पे चाहें वो आप लिख सकते हैं, ब्लैंक मिलेगी। तो आपको जो डेटा लिखना है, आपको अपनी मूवीज डालनी है, सॉन्ग डालना है, डॉक्यूमेंट डालना है, एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट, ठीक है। ये जो CD और DVD होते हैं, इन्हें हम टर्शरी स्टोरेज भी कहते हैं। टर्शरी, टर्शरी स्टोरेज। टर्शरी स्टोरेज, ठीक है। तृतीयक स्टोरेज कह लीजिए, जैसे प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज और टर्शरी स्टोरेज। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज और टर्शरी स्टोरेज, ठीक है। प्राइमरी में हम लोगों ने पढ़ा था रैम और कैश, सेकेंडरी में हम लोगों ने दो पढ़ा था, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल में हार्ड डिस्क और SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, और एक्सटर्नल में आपका जैसे PD, CD, मैग्नेटिक टेप, और मेमोरी कार्ड, ये सब आपका एक्सटर्नल में था। DVD, ये पढ़ चुके हैं हम, इसको आप चाहे तो नोट करें या ना करें, ठीक है। मेमोरी कार्ड। टर्शरी में इसको डाल दिया जाता है, किसको? CD, DVD को डाल दिया जाता है, और मैग्नेटिक टेप को, मैग्नेटिक टेप, ठीक है। ये टर्शरी का मतलब है तृतीयक के। ये ऐसा होता है कि जैसे ये जो यूज होता है ये बेसिकली अब तो अभी कम यूज होता है, ये ना के बराबर। ये जनरली यूज होता है वीडियो ऑन डिमांड पर, वीडियो ऑन डिमांड में इसका यूज करते हैं। ये टेलीविजन में, जैसे टीवी आप देखते हैं तो टीवी में कोई मूवी आ रही है, तो कोई मान लीजिए एक मूवी आ रही है, तो वो होगा क्या कि टेलीविजन के पास एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी होगी जहां पर वीडियोस सारी CDs या क्या कहते हैं आपकी मैग्नेटिक टेप में, यानी कि वो जो वीडियो कैसेट होती है उसमें लाइन से रखी होंगी। तो वो एक निकालते होंगे और कैसेट प्लेयर में डाला उन्होंने या CD प्लेयर में डाला और चला दिया और उसका ब्रॉडकास्ट कर दिया, और सारे लोगों को वो वीडियो दिखाई पड़ने लगी, एक ही वीडियो। अब वीडियो डिमांड, मान लीजिए कि आपके शहर में 10,000 TV है, उसमें से एक आप ऐसे हैं जो कि दूसरी मूवी देखना चाह रहे हैं, तो मूवी ऑन डिमांड होता है। ये फैसिलिटी बहुत सारे आपके क्या कहते हैं टाटा स्काई, DTH वगैरह में होती है। तो जब आप वीडियो ऑन डिमांड करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ आपके लिए एक एक्स्ट्रा वीडियो प्ले करी जाएगी। उसका जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो उसका एक टाइम दे देता है ब्रॉडकास्ट चैनल के, आपको 3 बजे दिखाएंगे, 4 बजे दिखाएंगे, 5 बजे दिखाएंगे। तो वो क्या करते हैं, सिर्फ आपके लिए उस वीडियो लाइब्रेरी में से CD और DVD निकालते हैं और कंप्यूटर के जरिए या जो भी उनकी मशीन्स होती है उनके जरिए आपको दिखा देते हैं। इसीलिए इनको हम टर्शरी स्टोरेज कहते हैं, और ये सिर्फ वीडियो ऑन डिमांड के लिए ही टर्शरी स्टोरेज है बस। बाकी और किसी चीज के लिए नहीं। सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर स्टोर करना है तो वो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज ही कहलाता है, सीडी और डीवीडी। लेकिन जब मूवी वीडियो वगैरह स्टोर कर देते हैं और वीडियो ऑन डिमांड की बात जब आती है तब वहां पर हम सीडी, डीवीडी और मैग्नेटिक टेप को क्या कहते हैं? तृतीयक मेमोरी, तृतीयक स्टोरेज, यानी कि टर्शरी स्टोरेज। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ, दोनों में आती है, सीडी और डीवीडी सेकेंडरी और टर्शरी दोनों में आती है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा दिया। ये चीज इसीलिए बनाया है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। एनी कंफ्यूजन? किसी को और कुछ पूछना है? कंफ्यूजन है कोई? लास्ट स्क्रीन, ये लास्ट स्क्रीन यही है, इसके पहले वाला ये, इसमें यहाँ पे सीडी और डीवीडी का हमने कंपैरेटिव स्टडी लिख दी है और कॉमन पॉइंट इसके पहले वाला स्क्रीन था, ठीक है? और जनरली जो है डीवीडीज वगैरह या सीडी वगैरह ये सॉफ्टवेयर या मूवीज या वीडियो या साउंड या ऑडियो या गाने, एल्बम, इन सब के लिए यूज करा जाता था। ये इजिली रिमूवेबल होता है और इसमें डेटा भी अच्छा खासा आता है, 600 से 700 MB सीडी में आता है और 4 GB से लेकर 8 GB 10 GB जो है डीवीडी के लिए आता था। तो अच्छा खासा डेटा आप सीडी या डीवीडी में डाल करके मूव कर सकते हैं। लेकिन अब सीडी और डीवीडी ऑब्सोलीट हो रही धीरे धीरे। जैसे आप ही से हम कहें कि तुम लोग सीडी ले आना, हम तुम्हें नोट्स दे देंगे, तो आप कहेंगे सर मेमोरी कार्ड है आप डाल दीजिए, या सर पेन ड्राइव है आप सर पेन ड्राइव में डाल दीजिए। कहाँ आप सीडी डीवीडी ढूंढेंगे मार्केट में? तो अब इसका भी फैशन ओल्ड हो गया है और ये अभी धीरे 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 ऑब्सोलेट हो रहा है। आने वाले 2-4-5 सालों में सीडी डीवीडी बिल्कुल मार्केट में मिलेगी ही नहीं, इसका कोई कहीं पे ऑब्सोलेट हो जाएगी, पुराना हो जाएगा ये हिसाब किताब इसका। और कोई कंफ्यूजन है किसी को? यानी कंफ्यूजन इसमें क्वेश्चन जो होगा ना घनश्याम, वो ऐसे पूछेगा जैसे सीडी का फुल फॉर्म पूछ लेगा, डीवीडी का फुल फॉर्म पूछ लेगा सीडी में डीवीडी में कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं, क्या जीबी स्टोर कर सकते हैं कि नहीं? तो आप कहेंगे नहीं, सीडी में एमबी तक स्टोर कर सकते हैं। अगर आगे आगे सीडी में क्या 2 GB डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 600 से 700 MB है। समझ रहे हो ना घनश्याम? जैसे ये पूछ लिया क्या सीडी रोम में क्या कहते हैं डेटा को डिलीट किया जा सकता है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ये प्री स्टोर्ड होती है, ये सिर्फ रीड ओनली मेमोरी होती है। सीडी रोम लिखा हुआ ना इसके आगे, रोम ये वो चिप वाली रोम नहीं है, रोम इसलिए लिखा हुआ है कि सीडी रीड ओनली मेमोरी, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। वर्सेटाइल का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ डेटा, यू कैन स्टोर वीडियो, ऑडियो, इमेज, टाइप मैटर, स्कैन डॉक्यूमेंट, फोटो और एनीथिंग यू कैन स्टोर। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ डेटा, ठीक है ना? बहुत सारी चीजें इसमें आप गेम स्टोर कर सकते हैं, वीडियो ऑडियो एक साथ स्टोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम वर्सेटाइल कहते हैं। समझ में आ गया प्रगति? वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल में हमने ये बताया था कि वोलाटाइल का मतलब होता है जहां पर भी, देखो जब भी वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल आए तो आप एक चीज समझिएगा कि वोलाटाइल का मतलब, देखो यहाँ पर एक चीज समझ लो, ये वोलाटाइल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो फिर से। वोलाटाइल जहां पर भी आए फौरन आप आएंगे किस पर? टेम्परेरी के, वो मेमोरी कैसी होगी? टेम्परेरी मेमोरी। और जैसे ही नॉन वोलाटाइल आ जाए, नॉन वोलाटाइल जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल को अगर आप ऑफ कर दीजिए तो उसमें जितने भी नंबर हैं क्या वो सब डिलीट हो जाते हैं? नहीं, तो वो उसमें कैसी मेमोरी है? नॉन वोलाटाइल मेमोरी, यानी कि परमानेंट मेमोरी, ठीक है? तो अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई क्या एग्जाम्पल है नॉन वोलाटाइल के, तो आप कहेंगे रैम और कैश, ये नॉन वोलाटाइल है। बाकी जितनी भी मेमोरी है, चाहे वो रोम हो, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, चाहे वो SSD हो, चाहे वो फ्लॉपी हो, चाहे वो मैग्नेटिक टेप हो, मेमोरी कार्ड हो, CD DVD हो, एनीथिंग, अब कोई भी रैम और कैश के अलावा जो भी आएगा वो सभी क्या हो जाएंगे? नॉन वोलेटाइल मेमोरी हो जाएंगी। वोलाटाइल का मतलब हो गया कि पावर ऑफ डेटा विल बी लॉस। तो वोलाटाइल मेमोरी सिर्फ और सिर्फ किस लिए यूज करी जाती है, सिर्फ वर्किंग के लिए यूज करी जाती है। लेकिन परमानेंट डेटा अगर हमें सेव करना है तो कैसी मेमोरी चाहिए, नॉन वोलाटाइल मेमोरी चाहिए। क्लियर है, डेटा पावर ऑफ डेटा नेवर लॉस। जैसे मोबाइल में से एकदम बैटरी डाउन हो जाए, खत्म हो जाए, डेड हो जाए मोबाइल।